हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूरोसेमाइड टैबलेट पर। ये टैबलेट डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं, क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, कितना डोज दिया जाता है, क्या साइड इफेक्ट सामने आते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम आज का वीडियो। इस टैबलेट का उपयोग एडिमा को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एडिमा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एडिमा वो कंडीशन है जिसमें कि हमारी बॉडी के टिश्यूज में एक्स्ट्रा फ्लूड इकट्ठा हो जाता है, यानी पानी भर जाता है, जिससे कि कई जो बॉडी के पार्ट्स से वो प्रभावित होते हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, आर्म्स हैं, फिट हैं, एंकल और लेग्स, इन पार्ट में सूजन आ जाती है। तो इस कंडीशन को एडिमा कहा जाता है। फ्यूरोसेमाइड टेबलेट का उपयोग फ्लूड रिटेंशन यानी एडिमा और स्वेलिंग को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। वो स्वेलिंग या जो वाटर रिटेंशन है किसी भी तरह से हुई हो, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलर की वजह से हुई है, या लीवर डिसीज, किडनी डिसीज या अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर वाटर रिटेंशन हुआ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग होता है। इस टैबलेट का काम है कि ये किडनी पर काम करती है, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो बढ़ा देती है और हमारे शरीर में नमक के अतिरिक्त अवशोषण से बचाती है। जब अतिरिक्त नमक हमारी बॉडी से निकल जाता है, तो इस तरह वाटर रिटेंशन की समस्या से बचा जा सकता है। इस टैबलेट को अकेले भी यूज किया जाता है और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ बीपी को ट्रीट करने के लिए भी यूज होता है। फ्यूरोसेमाइड टैबलेट के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इस दवाई को हमें कुछ कंडीशन में नहीं लेना चाहिए, जैसे किडनी के डिसीज है, इनलार्ज्ड प्रोस्टेट है, ब्लैडर का ऑब्स्ट्रक्शन है कोई, अगर यूरिनेशन प्रॉब्लम है, लीवर की डिसीज है या लीवर सिरोसिस है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है अगर आपकी बॉडी में, या पोटेशियम मैग्नीशियम का जो लेवल है वो बहुत ही कम है आपके ब्लड में, गाउट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, या आपको सल्फा ड्रग से एलर्जी है, तो आप इस टैबलेट को ना लें और अपने डॉक्टर को ये सारी कंडीशन जरूर बताएं, ताकि वो आपको कोई और टैबलेट दे सके। इस टैबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट सामने आते हैं, हम वो देख लेते हैं। जैसे डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी आपको भूख नहीं लगेगी, इसके बाद हेडेक भी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, ब्लड विजन, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट सामने आते हैं। बात करेंगे इसके एडल्ट डोज की, तो जो फ्यूरोसेमाइड टैबलेट है वो 20 mg से 80 mg ओरली दिन में एक बार दी जाती है। इसके बाद आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, तो उस हिसाब से इस टैबलेट को दिन में 2 या 3 बार भी दिया जाता है। इसका जो डोज है वो 600 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्यूरोसेमाइड टैबलेट के लिए कुछ एक्सपर्ट की एडवाइस हम देखेंगे। अगर आप यूरिन करने में सक्षम नहीं है, तो आपको ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए, अपने डॉक्टर से पूरी बात जरूर करें। इसके बाद जो रिकमेंडेड डोज है, आपके डॉक्टर ने जितना डोज प्रिस्क्राइब किया है आपको उतना ही लेना है, क्योंकि ज़्यादा डोज लेने से आपका जो हियरिंग लॉस है वो भी हो सकता है। अगर आपका रिसेंटली में MRI हुआ है या किसी तरह का कोई स्कैन हुआ है, रेडियो एक्टिव डाई हुई है, या आपकी वेंस में इंजेक्ट हुआ है, तो इस मेडिकेशन को उतना ही लें जितना कि आपके डॉक्टर के द्वारा बताया गया है, और अपने डॉक्टर से पूरी बात जरूर शेयर करें। अगर किसी तरह की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई मेडिकेशन चल रहा है, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, ताकि वो आपका सही इलाज कर पाए। अगर बीपी को ट्रीट करने के लिए टेबलेट आपको डॉक्टर ने दी है और आप बेटर फील कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपको किसी तरह के कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं। फ्यूरोसेमाइड टैबलेट अपने कई डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होती है, जैसे इंजेक्टेबल सॉल्यूशन होता है इसका, 10 mg पर ml में होती है, ओरल सॉल्यूशन आता है जो कि 10 mg पर ml में मिलता है, टैबलेट इसकी अवेलेबल है जो कि 20 mg, 40 mg और 80 mg में अवेलेबल होती है।
फिरोसेमाइड टैबलेट के लिए कुछ वार्निंग्स हैं। इस टैबलेट को प्रेग्नेंट वूमन या प्रेगनेंसी की अगर प्लानिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो ऐसी महिलाओं को ये टैबलेट नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद इस टैबलेट के साथ में अल्कोहल का सेवन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल भी यूरिनेशन को बढ़ाती है, इसलिए आपका जो साइड इफेक्ट है बहुत ही घातक हो सकता है। इस टैबलेट से इलेक्ट्रोलाइट सारे बॉडी से निकल जाते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, पोटेशियम की भी ज़्यादा कमी हो सकती है। तो इस कंडीशन में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि उस कंडीशन में डॉक्टर आपको पोटेशियम सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो की अगर आपको जानकारी पसंद आई हो या कुछ नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसी और के भी काम आ सके। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।